रोबस्ट, हाई ऑन टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू फॉर मनी, ये पांच। हॉप इलेक्ट्रिक ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है। हॉप एक्सो नाम है इसका, दो वेरिएंट में लॉन्च हुई है और इस समय कंपनी के सीईओ फाउंडर केतन मेहता जी हमारे साथ हैं, तो इनसे कई सवाल पूछेंगे आम आदमी की भाषा में। तो पहला सवाल यही है कि आपने इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दिया है और जो आपकी बात समझ में मुझे आई कि ये एक आम आदमी को पॉइंट ऑफ व्यू रहते हुए आपने किया, जिसमें बचत भी होगी, उसको अच्छा रेंज भी मिलेगा, तो क्या एक थीम है आपका भारतीय बाजार को देखते हुए? पहले ये आप हमारे व्यूअर्स को आसान भाषा में समझाइए। बहुत सरल तरीके से मैं बात करूं तो एक कस्टमर को क्या चाहिए पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करने के लिए, वो जो सबसे ज़रूरी पांच चीज़ें जो हमने कस्टमर की फीडबैक से आप लोगों से पूछ के पता किया, तो हमको पता चला सेफ्टी, परफॉर्मेंस, रोबस्ट, हाई ऑन टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू फॉर मनी। ये पांच चीज़ें हमको समझ में आई कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी को भी डिसीजन लेना है पेट्रोल से शिफ्ट होने के लिए। और इस प्रोडक्ट में हमने वो सारी पाँचों चीज़ों के हिसाब से इसके अंदर फीचर्स बिल्ड किए हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी पेट्रोल की बाइक से प्लस वन है। 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड और 0 से 40 सिर्फ 4 सेकंड के अंदर पहुंचना, ये पेट्रोल बाइक्स भी अचीव नहीं कर पाती हैं, तो ये तरीके का परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलेगा। सेकंड, रेंज, 150 किलोमीटर की रेंज इन इकोनॉमी मोड 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे जब आप सिंगल चार्ज में आपको मिलेगी, तो मतलब आपको कभी भी ड्यूरिंग द डे, क्योंकि 150 किलोमीटर से ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई भी कंज्यूमर चलाता है एक दिन में, तो 150 किलोमीटर चला के आप इस बाइक को चार्ज कर सकते हैं किसी भी 3 पिन में, मतलब आपके घर में जिसमें आप मोबाइल 15 एम्पीयर का जो प्लग होता है जिसके अंदर आप कोई भी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह चार्ज करते हैं या लगा के रखते हैं, उसमें है इसका चार्जर जो हम इसके साथ देंगे जो उसमें इंक्लूडेड है ऑफ बोर्ड चार्जर, वो आप उसको लगा के और जस्ट लाइक एक मोबाइल फ़ोन की तरह इसको ओवरनाइट चार्ज कर सकते हैं। 4 घंटे में ये बाइक पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी। एक पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वो खरीदना चाहते हैं, फ्यूल के प्राइसेस भी हाई है, लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन एक डर है बैटरी को लेकर, जिस तरीके से रिसेंटली टाइम में अभी देखा है कि गया है कि बाइक्स में आग लग गई है, ये तो कितना आप श्योर है? हालांकि आपने ये बोला कि इसकी जो बैटरी है आपने आधे घंटे तक पानी के अंदर उसे टेस्ट किया है, तो और क्या क्या आपने मेजरमेंट लिए हैं इसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू? हमने 3 जो चीज़ें इसमें अचीव करी है हमने बैटरी में, वो है पहली वाटर प्रूफ, 30 मिनट इसको बैटरी को हमने पानी में रख के टेस्ट किया है, कोई परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन नहीं होगा और ना इसमें पानी के कोई भी एक बूंद भी जा सकती है। सेकेंड, फ्लेम प्रूफ, मतलब अगर आप इसको आग में भी, इसको अगर हमने 70 सेकेंड तक आग में रख के इसको टेस्ट किया है, उसमें बैटरी में कोई भी तरीके का जिसको कहते हैं कि इवेंट नहीं हो सकता है, तो वो फ्लेम प्रूफ। थर्ड, शॉक प्रूफ, मतलब कई बार जो बैटरी में इशू आता है वो होता है बिकॉज आप गाड़ी को स्पीड ब्रेकर पर चलाते हैं, आपको 90 की स्पीड पर चलाते हैं, आप टर्न्स में जाते हैं, आप फ्लाईओवर पर जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा जब बैटरी हिलती है तो मूवमेंट होता है अंदर सेल्स के बीच में और वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो हमने इसको बनाया है शॉक प्रूफ। हमने इसको 3G फोर्सेस सारे एंगल से प्रोवाइड करके एज पर AI स्टैंडर्ड्स हमने इस बैटरी को टेस्ट किया है, तो दिस बैटरी इज शॉक प्रूफ। तो ये जब 3 पैरामीटर मिलते हैं, एक IP67 बैटरी बन के आती है जो कि हमको लगता है कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है, और इस बैटरी को इंजीनियरिंग करने में हमने लगभग 1.5 साल का टाइम लिया है और कोशिश ये की है कि प्रोडक्ट जब मार्केट में जाए तो कोई भी कंप्लेंट ना। एक बैटरी साइकिल टर्म होता है कि अब हम किसी भी